पीएम मोदी और सोनिया गांधी से मिले उद्धव ठाकरे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले एनआरसी सिर्फ असम में, देश भर के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं। गृह मंत्री अमित शाह और आडवाणी से भी उद्धव ठाकरे ने की मुलाकात। बेटे और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे भी थे उद्धव के साथ। विवादित बयान पर चौतरफा गिरे पूर्व विधायक वारिस पठान की सफाई का, गलत तरीके से पेश किया गया भाषण। बीजेपी पर देश तोड़ने का जड़ा इल्जाम। वारिस पठान के विवादित बयान पर ओवैसी का एक्शन, मीडिया से बात करने पर लगाई रोक। औरंगाबाद में वारिस पठान के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, विरोध प्रदर्शन में जलाया पुतला। एमएनएस नेता बाला नंद गोंदकर की वारिस पठान को खुली धमकी, कहा दोबारा दिया ऐसा बयान तो महाराष्ट्र से कर देंगे बाहर। जावेद अख्तर ने वारिस पठान के विवादित बयान को जमकर लथाड़ा, पूछा तुम किसके नौकर हो, तुम्हें 15 करोड़ मुसलमानों का ठेका किसने दिया है। संघ के खिलाफ भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का हल्ला बोल, नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के सामने लहराएंगे तिरंगा, बोले आरएसएस नहीं करती तिरंगे का सम्मान। जलगांव में ट्रेन से गिर गए शख्स के कट गए पैर हाथ, मदद की जगह वीडियो बनाते रहे लोग। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में जीप बस में टक्कर, 4 लोगों की मौत, 10 घायल। मुंबई के दादर में कपड़े की दुकान में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। सूरत में महिला कर्मचारियों के साथ मेडिकल टेस्ट के नाम पर अभद्रता, सामूहिक रूप से उतरवाए कपड़े। भारत दौरे से पहले ट्रंप ने बढ़ाया भीड़ का आंकड़ा, कोलराडो रैली में बोले अहमदाबाद में स्वागत के लिए पहुंचेंगे 1 करोड़ लोग। महाशिवरात्रि की मुंबई में धूम, बाबलूनाथ मंदिर में सुबह से जुटे भक्त। अब किराएदार नहीं कर पाएंगे मकान पर कब्जा, मोदी सरकार ला रही है नई रेंटल पॉलिसी। महिंद्रा ने अपने स्कॉर्पियो और बोलेरो समेत कई गाड़ियों पर दिए भारी भरकम डिस्काउंट, 3 लाख रुपए तक की मिल सकती है छूट। होंडा ने लॉन्च की 125 सीसी बाइक शाइन का नया वर्जन, 14% ज्यादा माइलेज, करीब 68,000 का। अमेरिका की टॉप 20 कंपनियों की लिस्ट में शुमार हुई टीसीएस, ग्रेट प्लेस टू वर्क ने दी जगह। कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के मामले में क्रेन ऑपरेटर गिरफ्तार, 3 लोगों की हुई थी मौत। चवालीस की उम्र में दूसरी बार मां बनी शिल्पा शेट्टी, घर आई नन्ही परी। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मुलाकात की, मुलाकात के बाद सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर उनके बयान ने कांग्रेस एनसीपी में खलबली मचा दी होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी से मिले, साथ में बेटे और महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे भी थे। तस्वीरों में गर्मजोशी और पुराने रिश्ते का अपनापन नजर आया, लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने बाहर आकर मीडिया से बात की तो सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी जरूर ठंडी पड़ गई। सुनिए, एक बात ऐसी है कि सीए को लेकर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सीए उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये किसी को देश से निकालने के लिए कानून नहीं होने जा रहा है। हालांकि ये बात सच है कि अपने पड़ोसी जो देश है उसमें जितने पीड़ित अल्पसंख्या है उसमें है, मानता हूँ मैं हिंदू है, हिंदू होंगे, उनको यहाँ की यहाँ नागरिकत्व देने के लिए वो कानून है। तो पहली बात ऐसी है कि सीए से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। एनआरसी के बारे में बीच में शायद संसद में ही भूमिका स्पष्ट की है केंद्र सरकार ने, एनआरसी पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा। कांग्रेस और एनसीपी सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर शिवसेना के रुख से कतई खुश नहीं है, पर उद्धव ठाकरे भी बदलने को तैयार नहीं दिखते। शाहीन बाग पर भी उद्धव ने जो बोला उससे सहयोगियों का दिल बैठ गया। ओके, नहीं, जो जानकारी है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसी कोई मेरी राजनीतिक भूमिका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और
एनआरसी में जो एक वातावरण माहौल किया जा रहा है कि मुसलमानों के लिए खतरनाक होगा, ऐसे नहीं, ये तो सब लोगों को अपनी जो नागरिकत्व की बात है, सिटीजनशिप, उसके लिए कतर में रहना ही होगा। तो वो जो बात है वो बात नहीं होने जा रही, एनआरसी की बात नहीं होने जा रही है। पीएम से मिलने के बाद उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी से मिले, पर 10 जनपद से बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों से बिना बात किए निकल गए। यहां से निकलकर उद्धव ठाकरे एल के आडवाणी और आखिर में गृह मंत्री अमित शाह से मिले। दिल्ली से पुलोमी साह के साथ आज तक ब्यूरो। अब जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस खबर को देखने के बाद अगर एक शख्स ये प्रण करे कि घायल हुए इंसान का वीडियो बनाने की जगह वो उसकी मदद करेगा तो हमारा इस स्टोरी को दिखाना सार्थक हो जाएगा। ये वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, बस बता देते हैं कि एक आदमी रेलवे ट्रैक के बगल में ट्रेन से गिरकर घायल पड़ा है। उसका कटा हुआ पैर और हाथ उसके सामने पड़ा है जिसे वो उठाने की कोशिश कर रहा है। सामने खड़े लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। आदमी ने लोगों से कहा कि फोन करके एम्बुलेंस बुला दो, पर किसी ने नहीं सुना। ये शख्स है नयन फड़के, जो अपने दफ्तर जाने के लिए अमलनेर से जलगांव एक एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल डिब्बे में थे। भीड़ की वजह से दरवाजे पर लटके हुए थे, गिर गए। एक भगवान की कृपा थी मुझ पे, मुझ में इतनी हिम्मत थी, सहन शक्ति दी थी भगवान ने, तो उसका मैंने पूरा पूरा फायदा उठाया सर। जब मोबाइल पर वीडियो बनाती भीड़ की मदद नहीं मिली तो नयन की जांबाजी और हिम्मत देखिए। ऐसी हालत में खुद एक हाथ से पैंट के अंदर से फोन निकालकर दोस्तों को हादसे की खबर दी। कोई भी रेलवे कटिंग का पेशना रेलवे कटिंग में होता है तो उसका सबसे ज्यादा खून निकलता है सर, क्योंकि कट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मामूली कट नहीं होते हैं। इसीलिए मेरे लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप सबसे पहले ऐसा कोई आदमी दिखे उसकी फोटो लेने से पहले उसको फर्स्ट एड बोलो, क्या एम्बुलेंस का कुछ ना कुछ प्रबंध करो जिससे उसकी जान बच सकती है। नयन को अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं आपको लिखित में देता हूँ, मेरे सब ऑर्गन डोनेट कर देता हूँ और लिखित में देता हूँ, मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। डॉक्टर भी नयन की हिम्मत की दाद दे रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोगों की संवेदनाएं कम हो गई है और लोग फोटो निकालते और कहते हैं कोई मदद नहीं कर रहा था। अरे भाई, आप चित्रित कर रहे थे, आपका काम ये नहीं है, आप फोटोग्राफर नहीं है, आपका काम है कि बाजू में आपके साथ में का आपके देश में का एक नागरिक बांध है, उसकी मदद करनी चाहिए। नयन का एक हाथ और एक पैर कट चुका है, उनके जैसा हादसा दूसरों के साथ ना हो इसलिए उन्होंने रेलवे से ये अपील की है। जो रूटीन की गाड़ियां है उसमें पहले 3-4 जनरल रहते थे, अभी सिर्फ उसमें एक ही जनरल रहता है, तो वो जो जनरल कोचेस की संख्या है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है सर, यहाँ पे गरीब लोग बहुत रहते हैं, उनको रिजर्वेशन टिकट नहीं पुरोड़ता है, तो इसीलिए मेरे रेल प्रशासन से यही एक दरख्वास्त है सर कि कम से कम कोई भी गाड़ी में 4-5 जनरल कोचेस चाहिए, मतलब चाहिए। जलगांव से मनीष जोग के साथ आज तक ब्यूरो। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, आगे देखिए मूवी मसाला।